हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल सीमा सी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ ख़ास चीज़ बना रही हूँ, आप लोग देखिए और इसका आनंद लीजिए। और ये चीज़ ना बहुत ही स्वादिष्ट लगी थी, ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग घेवर खा रहे हैं। मावे वाला घेवर जो होता है, सावन का सिंधारा वगैरह देते हैं सावन के महीने में जो बनता है वो वाला। तो आप लोग एक बार इसको ट्राई करना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं ये किस तरह से बना रही हूँ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और ये यम्मी इतना लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतना स्वादिष्ट लगा था सबको। और मुझे तो ये बिल्कुल सेम टू सेम घेवर के जैसा लगा जैसे हम लोग घेवर खा रहे हैं। इसको अगर थोड़ी देर हम लोग बना के रख देंगे तो बिल्कुल मावे वाले घेवर का टेस्ट आता है। और अगर हम इसको क्रंची ही खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा मतलब क्रंची क्रंची लगता है, और इसको रखने के बाद ये मावे वाले घेवर के जैसे हो जाता है। तो आप लोग कभी बना के देखना और खा के देखना, बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर ये शाम का टाइम था, मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका था, मैंने सोचा कि आप लोग सबको ये भी दिखा देती हूँ। तो ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, हम लोग बना रहे हैं पूरियां। हम लोगों ने सोचा कि पूरियां थोड़ी सी ज़्यादा बनानी है तो क्यों ना चूल्हे पे बनाई जाए। वैसे तो हम लोग गैस पे ही कर लेते हैं अगर थोड़ी बहुत होती हैं, क्योंकि घर में कोई पूरियां वगैरह नहीं खाते हैं। तो फिर हमने सोचा कि आज हम लोग कहीं जा रहे हैं, ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए इसी तरह से। तो यहाँ पर मैंने और मम्मी ने मिलकर पूरियाँ बना ली थी, कढ़ी और चावल भी बनाए थे साथ में ही, बस मैंने अपनी उनकी क्लिप नहीं डाली है। तो यहाँ पर मैं जो पेड़ियाँ हैं वो तोड़ लूँगी और फटाफट हमारी पूरियाँ जो है बनकर तैयार हो जाएंगी। इस तरह से अगर हम लोग पूरियाँ बनाते हैं ना तो जल्दी से बन जाती है, तो इनको तोड़ के हमें बार बार अलग से पेड़ी के लिए नहीं तोड़ना पड़ता। तो हम लोग पूरियां बना रहे थे और शिवी ये काम कर रही थी पोछा लगाने वाला। ये देखिए, शिवी ने सारा पोछा एकदम से निपटा दिया था, सारा पोछा लगा दिया था। मुझे तो पोछा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आप लोग भी देख लीजिए। हाँ, लगा दो, सारा फर्श साफ कर दो। हाँ, लगा दो। इस साइड भी लगा दो, दूसरी साइड भी लगा दो। हाँ, लग गया। अच्छा चलो ठीक है, बाय बोल दो। कढ़ी चावल जी। हेलो, इस घर से इतनी प्यारी प्यारी यादें जुड़ी थी, मतलब एक साल हम लोगों ने यहाँ पे गुजारा और आज हम लोग यहाँ से फाइनली जा रहे हैं, क्योंकि
ये सब बातें चलो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम कम है मेरे पास और सामान वगैरह इकट्ठा करना है। तो सोचा कि अब लास्ट बार इस घर को आप सबको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने इस घर का हाउस टूर भी आप लोगों को करवाया था। और पर क्या करें, जब किस्मत होती है जितना हाँ चलो चलो चलो, तो जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। हमने एक साल यहाँ पे प्रॉपर गुजारा, एक साल भी नहीं 11 महीने हम लोगों ने यहाँ पे गुजारे हैं। चलो चलो चलें, दिक्कत हो गई थी, चलो। तो बस यहाँ से अभी जाने की तैयारी है, सारा सामान इकट्ठा करके लगा रहे हैं, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे, फाइनली विदा हो जाएंगे हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं आएंगे अब। और देखते हैं क्या होगा अगले आने वाले टाइम में, कब आने, देखते हैं। उसकी पढ़ाई की वजह से हम लोग आए थे आशु की, लेकिन अब जाना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्योंकि मकान वाले। तो ये देखिए हमारा सारा सामान जो है टेम्पो में लगा लिया है, और बस यहाँ से हमारी लास्ट यादें रह गई हैं। 11 महीने हम लोगों ने इस घर में गुजारे हैं, कुछ यादें हैं वो भूली नहीं जाती हैं। बहुत अच्छा लगा इस घर में आके, कुछ चीज़ें शुरू हुई, कुछ चीज़ें मतलब इस घर में आके मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, काफ़ी बातें सीखने को मिली, काफ़ी बातों का मुझे ज्ञान हुआ, समझ आई मुझे। लेकिन क्या करें, अब यहाँ से जाना तो पड़ेगा ही। जब मकान मालकिन ने कहा कि आप लोग इस घर को छोड़ो, रेनोवेट करवाना है, और यही होता है जब हम लोग किराए के घर में रहते हैं, तो वो लोग हमें कभी भी बाहर निकलने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि अपना घर अपना ही होता है और किराए का घर किराए का ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग सारा सामान लेकर चल दिए थे। उसके बाद यहाँ पर मम्मी जो है वो घड़ा लेने के लिए चली गई थी, क्योंकि घड़े में पानी जो है बहुत ठंडा रहता है, शीत रहता है, मतलब कैंपर के मुकाबले, जो कैंपर होते हैं ये, उनके मुकाबले घड़े का पानी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम लोग मोस्टली घड़े का पानी ही पीते हैं, तो मम्मी यहाँ पर घड़ा ले आई थी। और एक मैंने जो तोला होता है वो मंगवाया था, लेकिन मौसम काफ़ी ठंडा है तो इसलिए मैंने उसमें पानी अभी तक तो रखा नहीं है, लेकिन आज कल मैं रख दूँगी। तो बस ये लोग घड़ा लेकर आ गए थे और हम लोग फिर यहाँ से चल दिए थे। सारा सामान हमारा जा चुका था, तो जाने के बाद हम लोगों ने सामान वगैरह देखना था कि कहाँ कहाँ क्या क्या पड़ा है, और इसको लगाने में मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है। अब तक भी मेरा ये सामान सेट नहीं हुआ है अच्छे से, कुछ लग चुका है, कुछ रह चुका है, और मुझे किसी और काम के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। वीडियो की एडिटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, दो दो तीन तीन दिन में वीडियो डाल पा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अब वीडियो का भी एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।